अपने सदन के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को उठाया, मैंने आश्वासन दिया कि मैं न्याय दिलवाऊंगा और रघुवंश बाबू ने सदन में ही उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस तरह बहुत ही ईमानदार थे और मिलनसार थे, और चाहे किसी दल में हो, समाज के सभी वर्ग के लोग उनको इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते थे। तो उनका यहाँ से जाना बहुत ही दुख की बात है कि आदर करते थे, सब उनका आदर करता था। और प्रोफेसर थे, गणित के प्रोफेसर थे, तो सारी चीज़ों को राजनीति को भी गणित की तरह जोड़ जोड़ करके चले थे। तो ये बहुत महान आदमी थे। आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नारायण सिंह सहयोगी टूना पासवान के साथ अभी आरा पहुंचे हुए हैं सभापति विधान पार्षद के अवधेश नारायण सिंह जी, और इनसे हम बात करेंगे। सर, आज बहुत ही दुखद खबर आया है, जिस तरीके से रघुवंश बाबू का निधन हुआ है, आप जा भी रहे हैं पटना, क्या कहिएगा सर? ये रघुवंश बाबू का दुखद सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ी शून्यता आई है। बहुत ही कर्मठ नेता थे, बहुत ही ईमानदार थे और मिलनसार थे, और चाहे किसी दल में हो, समाज के सभी वर्ग के लोग उनकी इज्जत करते हैं, प्रतिष्ठा करते थे। तो उनका यहाँ से जाना बहुत ही दुख की बात है, और हम इसलिए दुखी हैं भी कि वो विधान परिषद के कार्यकारी सभापति भी रह चुके हैं। तो इसलिए मुझे बहुत तकलीफ है, उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, और शोक संतप्त परिवार को भगवान शक्ति दें उस दुख सहने के लिए, और समाज को ये शक्ति दें कि उनके जैसे आदमी जो बाहर चला गया, इस यहाँ से उठ गया, उसकी शून्यता को भरने के लिए सब आवें। और खास करके नवयुवकों लोगों से मेरा आग्रह है कि इस शून्यता को भरने के लिए उसी कर्मठता से आगे लोग बढ़ें और आवें। सर, दूसरे राजनीति में सर आपकी यादें क्या रही हैं उनके साथ, कुछ पुरानी यादें बताएं जो कि जनता तक जाए? रघुवंश बाबू के साथ आपकी कैसे व्यक्तिगत रूप से थी और राजनीतिक रूप से? व्यक्तिगत मेरा संबंध बहुत अच्छा था। कुछ उस समय जब सभापति मैं भी सदन का सदस्य था, तो उससे ऐसे एक तरह की बात हुई, मैं बता देता हूँ कि एक यहाँ का कोई दरोगा था कोई नवादा थाना में, और एक लड़का पढ़ा लिखा MA पास, वो लड़का जा रहा था, तो कोई ने उस पर केस कर दिया कि मोटरसाइकिल चुरा दिया। उसको ले आकर बहुत पीटा, रात भर लॉकर में गन गया, फिर पानी चढ़ाया गया। उसके बाद किया, हमारे पास लड़का आया, कहा कि मैं अपनी फाड़ दूंगा अपना सर्टिफिकेट अगर हमको न्याय नहीं मिलेगा। तो मैंने माध्यम से अपने सदन के माध्यम से मैंने इस प्रश्न को उठाया, मैंने आश्वासन दिया कि मैं न्याय दिलवाऊंगा, और रघुवंश बाबू ने सदन में ही उसको सस्पेंड कर दिया। तो इस तरह से ये कहे कि इतने संवेदनशील थे कि उस नौजवान के लिए जो हमसे जान पहचान भी नहीं था, लेकिन आया तो मेरी संवेदना जगी, और मैंने जा करके और सभापति जी से कहा, और उस समय रघुवंश बाबू थे सभापति, और उसको किया। और बहुत से संस्मरण हैं, हम लोग बहुत क्लोज थे, आना जाना कई बार ट्रेन में आना जाना साथ में, तो इसलिए बहुत से संस्मरण बहुत सा है, इसको संक्षिप्त में कहना। अभी राजनीति की जब शुरुआत उन्होंने किया था, तो किस तरीके का उन्होंने संदेश देते थे, किस तरीके से आप लोगों से बात होती थी? भले विपक्ष दल के नेता थे, लेकिन कैसा लगता था उनके साथ? विपक्ष के दल का नहीं, वो सबकी आदर करते थे, सब उनका आदर करता था। और प्रोफेसर थे, गणित के प्रोफेसर थे, तो सारी चीज़ों को राजनीति को भी गणित की तरह जोड़ जोड़ करके चलते थे। तो ये बहुत महान आदमी थे, और हम लोगों में थोड़ा सा भी उनका गुण आए, ये बहुत बड़ी बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, यहाँ पे श्री अवधेश नारायण सिंह जी, जो कि विधान पार्षद के सभापति महोदय हैं, ये आरा पहुँचे हुए हैं, हमने सवाल रखा है। आज बहुत ही दुखद खबर है राजनीति जगत से, बड़ा सितारा जो कि बिहार को राजनीति में कई ऊंचाइयां उन्होंने दी है, खासकर राजद को कई ऊंचाइयां दी है उन्होंने, रीढ़ थे वो राजद के माने जाते थे, वो उनका आज निधन हो गया है। और उनके निधन पे किस तरीके से राजनीति करते थे, इन्होंने उदाहरण पेश किया है। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि उन्होंने सदन में ही उसे सस्पेंड कर दिया था, ये बड़ी बात है। आशा एक भारत के लिए मैं रैना सिंह सहयोगी टूना पासवान के साथ, खबर यहीं तक, खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। आशा एक भारत की टीम की ओर से ढेर सारी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए हम आप सबसे अलविदा लेते हैं, शुक्रिया, धन्यवाद।
आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।